सारे विद्यार्थियों नूं सति श्री अकाल। लास्ट लैक्चर दे विच आपां ने नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स पढ़ी सी जी, जिहदे उपर बेस्ड आपां काफ़ी इंपोर्टेंट नमेरिकल देखने हैगे ने। इह काफ़ी इंपोर्टेंट नमेरिकल है जी। इहदी स्टेटमेंट दी देख लो की हैगी है। फॉर द मैट्रिक्स ए, गिवन आ मैट्रिक्स आपां नूं, फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म, हैंस फाइंड आउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टेटमेंट का मीनिंग समझना पहला की हैगा जी। जिमें आप इतने कोई ए मैट्रिक्स गिवन हैगा कि जो ए मैट्रिक्स है यह है जी 1 1 2। यह अपन कोई मैट्रिक्स दिता हुआ जी। तो यह मैट्रिक्स आपने ये दो अजिहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। चाहे नोट पालियो जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स केड़ा हुंदा? यह हुंदा हैगा पी इज सेड टू बी मैट्रिक्स पी, कोई मैट्रिक्स पी हैगा इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ पी इज स्केयर, पहली गल स्केयर चाहिए जी, एंड जो डिटरमिनेंट ऑफ पी है वह नॉन जीरो चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहड़ा होंदा हैगा जी, जिहड़ा स्केयर होवे अते डिटरमिनेंट जीरो होवे। बिल्कुल सेम इदी इहदे नाल दी खोर डेफिनेशन ऑफ ही लिखी लो जी, यह है सिंगुलर मैट्रिक्स। यह कहड़ा होंदा जी? मैट्रिक्स पी इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ पी इज स्केयर, ए स्केयर मैट्रिक्स हो गए, एंड डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल्स टू जीरो। पी का जो डिटरमिनेंट है वह जीरो आ जाए तो इन सिंगुलर कहने, नॉन सिंगुलर। पर इस केस आपने दो मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, केड़े केड़े इस क्वेश्चन के, एक पी फाइंड करना है क्यों, वह किदा फाइंड करना, जेड़े पी ते क्यू ने ए दोने होन नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब आ भी स्केयर मैट्रिक्स हो गए डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गए, आ भी स्केयर मैट्रिक्स हो गए डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। एक चीज होर कही है कि जो आप पी नू ए ना मल्टीप्लाई करिए फिर जो आंसर आ गया उन्हूं क्यू ना मल्टीप्लाई करिए, मतलब तिने मल्टीप्लाई करिए जो आप आपस च, तो यह किस फॉर्म के होवे, यह नॉर्मल फॉर्म च होवे। देखो ये तीन गल्लां आ रही विच, पी अते क्यू पहली गल नॉन सिंगुलर होने चाहिए ने, स्केयर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होने चाहिए ने, ते इन्हां दा जो मल्टीप्लाई करांगे आपां तिन्नां नूं मल्टीप्लाई करांगे ये नॉर्मल फॉर्म च होवे आंसर। नॉर्मल फॉर्म आपां देखी सी पिछली बारी पिछले लैक्चर दे विच। अते एक गल होर पुछी है कि जो ये सारा कुछ कर लिया फिर रैंक फाइंड करना, जो रैंक तां फाइंड हो जाएगा, रैंक फाइंड करांगे आपां, जो ये हूँ करना कि स्टेटमेंट देखो तो काफ़ी औखा लगी जाता, पर यह सारा एलीमेंटरी मैथड उपर एलीमेंटरी ऑपरेशन उपर बेस्ड है जी। ये करना किमें है वह देख लो, यदा सौखा जहा मैथड वो देख लो। सब तो पहला लिखना किमें आपने, ये वैसे प्लस टू विच भी आता है जेड़ा आई हों, लास्ट लैक्चर पढ़ा से आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एदा मैट्रिक्स दे विच जिमें वन का काम होंदा, वन का काम नंबर विच होंदा, नंबर च वन का काम की होंदा, किसे नाल भी मल्टीप्लाई करांगे आपां नंबर विच सेम आंदा होंदा, उवें आइडेंटिटी का काम मैट्रिक्स होंदा, किसे मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करांगे आई नूं वह सेम ही आवे आऊगा। तो यह करना कि स्टार्टिंग मेन है जी, वह देख लो। नाओ
ए नू आपां लिखना है, इदां लिख सकते हैं आई ए आई, बस ये गल ध्यान रखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन का काम होता जिवें आपां कहने हैं कि वन इंटू टू इंटू वन, ये सेम ही आऊगा आंसर, इसी प्रकार ये भी सेम ही आऊगा, मल्टीप्लाई करांगे ए बनूगा ए आई इंटू ए ए, फिर ए इंटू आई किता फिर ए आ, सेम आऊगा, लिख सकते हैं आप। पर इहदे विच थोड़ा गल ध्यान रखना है कि जिहड़ा यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा इहदा ऑर्डर का फर्क होगा, क्यों ध्यान दे विच होवे कि दो मैट्रिसिज आपस मल्टीपाई आप हमेशा नहीं कर सकते, दो मैट्रिसिज मल्टीपाई तो होंगे, मान लो यह एम इंटू एन ऑर्डर, यदा एन इंटू पी ऑर्डर, मान लो बी का एदा ऑर्डर एम इंटू एन, एदा एन इंटू पी बी का ऑर्डर, जे अपने को पहले दियां कॉलम दूजे दियां रो आपस च सेम होणगियां तां ही आपां मल्टीप्लाई कर सकते, ये काफ़ी इंपोर्टेंट गल है जी। हुण ये आई मनना किवें आ ध्यान दो, मैं तां ही रब कर रहा जी, तुसीं पहला इत्थे ए दा ऑर्डर पा लो, ए दा ऑर्डर की हैगा उरे थ्री बाय थ्री, तीन रो ने तीन कॉलम ने, तो उरे आई आइडेंटिटी किहड़े ऑर्डर का मनना आपां ने, वह आप थ्री बाय थ्री लवेंगे बिकॉज जे आह मल्टीप्लाई हम कर सकें सेम आ गए, आई जोड़ा हैगा वह हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होगा आई का, जोड़ा पिछे वाला आई हैगा वह कितना मना, वह भी थ्री बाय थ्री मना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने भी मल्टी भी सेम चाहिए आप। एक नैक्सट क्वेश्चन आप होर पढ़ा और चलो ए स्केयर मैट्रिक्स, एक होर देवे आप नैक्सट क्वेश्चन और ए जो है वह रैक्टेंगुलर मैट्रिक स्केयर मैट्रिक्स नहीं होगा, मान लो जिवें आप कह रहे चलो उरे ए थ्री बाय फोर का होंगे, बाय चांस इतने फोर कॉलम होंगे, जे थ्री बाय फोर का होंगे तो यह आई थ्री बाय थ्री का नहीं मान सकते, फिर ए मल्टीप्लीकेशन डिफाइन नहीं होनी, फिर ए वाला आई जो है इस केस फोर बाय फोर का मनोंगे, नैक्सट क्वेश्चन देखा आप फिलहाल जो आ करते हैं आप थ्री बाय थ्री। सो पहला स्टैप यह है, ये लाइन बॉक्स लोड नहीं पाती आप, मतलब कि ए रफ सीगा, सीधा इतों स्टार्ट करा आप ए इक्वल्स टू, नाओ ए इक्वल्स टू आई, इनू कला थ्री कह सकते हैं ए आई थ्री, बाकी इतने का ऑर्डर पाने की लोड़ नहीं है, सीधा ठीक है जी। बाकी स्टैप लिखना उसी फेयर दे विच तां भी लिख सकते, चलो ये करना की है फिर आपने जेड़ा ए हैगा इहदी वैल्यू भरनी है, स्टैप ध्यान रखने ने जी, वन वन टू, वन टू थ्री, जीरो माइनस वन माइनस वन, इत्थे आई दी वैल्यू भर देनी है वन जीरो जीरो, आई थ्री है जीरो वन जीरो 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 वन, ए दी वैल्यू नहीं भरनी इत्थे, ए नूं इत्थे रखना, तो यह भी आई थ्री है जी, ए वाले ए की वैल्यू भरनी है, बिच वाले ए की वैल्यू नहीं भरनी है जी। हुण करना की है जी, बाकी काम ये बस ये चीज नवी सी, बाकी काम पुराने वांगूंगा, तुसी इहनू एलीमेंटरी ऑपरेशन ला के इस क्वेश्चन जिहड़ा लैफ्ट हैंड साइड पर पिया है इहनू आपने नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट करना इस क्वेश्चन। हुण जो नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट करांगे तो दस्सिया सीगा जी ए डायगनल एलीमेंट हो गए जी, इहनू छड्ड के नीचे वाले जीरो करांगे जी, आपां उपर वाले जीरो करांगे, तो तुहानू कहा सीगा जे नीचे वाले जीरो करने होण जी तुसीं रो ऑपरेशन वाले कोल एलीमेंटरी, जो उपर वाले करने ते कॉलम वाले कोल, तो यह भी गल कही सीगी कि इह कंपलशन ही है कि नीचे रो लाणा उपर कॉलम लाणा, जिहड़े मर्जी ऑपरेशन लाओ चाहे रो उपर लाओ चाहे कॉलम उपर लाओ जी, बस ये नीचे के उपर जीरो चाहिए आपां नूं, पर यह तरीका ज़्यादा वधिया कि नीचे जीरो वास्ते रो ऑपरेशन यूज कर लो उपर वास्ते कॉलम यूज कर लो। जिवें उरे कह रहा है कि जे इत्थे नीचे रो ला रहे हैं इत्थे कॉलम ला रहे हैं तो मैं रो ते कॉलम ना कर रहा है, पहला आ दो जीरो कर रहे हैं जी, नीचे वाले जीरो करने ने उपर वाले करांगे, ये जीरो कर रहे हैं ऑपरेशन लावांगे, इत्थे ऑपरेट किया इत्थे ला लो आर टू ते ऑपरेट किया आर टू माइनस आर वन जिवें पिछे किया सी,
आ जीरो हो जाएगा, आ लोड नहीं जीरो करनी, जीरो पहले ही बनाया पाया जी, तो यही आ जाएगा अपने कोल। वन वन टू जीरो, वन वन जीरो माइनस वन माइनस वन, देखो ठीक है ऑपरेशन लाए जी अपने। इस तो बाद हम जी मेन गल इंपॉर्टेंट हैगी है, दो तरह के मैट्रिसेस ने, जेड़ा ऑपरेशन आप इत्थे लाना है इक्वल टू आ उही ऑपरेशन आप इत्थे लाना है, ये गल समझो ध्यान, जेड़ा ऑपरेशन आप इत्थे लाना, इत्थे ऑपरेशन लाना केड़ा, आपने इनू आप नॉर्मल च कन्वर्ट करना, जो नॉर्मल च कन्वर्ट करांगे कुछ ऑपरेशन आप यूज करांगे, रो वाले भी यूज करा, कॉलम वाले भी यूज करने, जेड़ा रो वाला ऑपरेशन आप यूज करा, रो वाला ऑपरेशन ये उपर लाना है, कॉलम वाला ऑपरेशन ये उपर लाना, ये गल ध्यान रखनी है। इनू नॉर्मल च कन्वर्ट करने वास्ते कुछ आप रो के ऑपरेशन यूज करा, कुछ कॉलम के ऑपरेशन यूज करा, तो जेड़ा रो का ऑपरेशन लावे वह पहले उपर लाना है जी, जेडे कॉलम के ऑपरेशन ने पिछे उपर लाने, बस ये गल ध्यान रखनी है। हूँ ये ऑपरेशन जो है ये रो उपर लाया, ये अगे लाने अपने, ये लाने आप आर टू माइनस आर वन, ये बनेगा वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो 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 वन, ए वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, बस ये फर्क है जी। इतने ऑपरेशन लाई जाओ नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट करने वास्ते, जे रो का ऑपरेशन ना, रो का ऑपरेशन ये उपर लावे फर्स्ट उपर, कॉलम का आप पिछे लावे, हूँ इन आ जीरो करा, आर टू आर थ्री सॉरी आर थ्री प्लस आर टू करा, तो यह बन गया वन वन टू जीरो वन वन जीरो जीरो जीरो। हूँ आर थ्री रो ऑपरेशन पर लावे आप वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन वन, ए वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, तो नीचे जीरो बन गई जी। हूँ उपर जीरो बनाने ने, इस मैं कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहा, जो कॉलम के ऑपरेशन लावे आप एलीमेंटरी उपर कॉलम ऑपरेशन लाने आप, ये सी टू ऑपरेट किया जी, सी टू माइनस सी वन, सी थ्री ऑपरेट किया सी थ्री माइनस ओ सी वन, ये आ गया सिंपलाइज वन जीरो जीरो, ये सबट्रैक्ट किया जीरो वन जीरो, ये सबट्रैक्ट किया जीरो वन जीरो, इज इक्वल टू यदा कुछ नहीं करना अपने, हम वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन वन, ए हूँ कॉल ऑपरेशन आप लावे वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस टू जीरो वन। हूँ इस तो बाद आ जीरो करांगे, ए कॉलम यूज कर रहे हैं जी, सी थ्री ते ऑपरेट किया सी थ्री माइनस सी टू, ये बन गया जी वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, ये पहले इदी आ जाऊगा वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन वन, ए कॉलम प्रेशन उपर लावे आप वन जीरो जीरो
माइनस वन वन जीरो, सी थ्री ऊपर आना सी थ्री माइनस सी टू, सी थ्री माइनस सी टू माइनस वन माइनस वन वन। ये चेक कर लो कि ये बन गई नॉर्मल फॉर्म। हाँ जी बन गई, इन लिख सकते हैं आप इदा अलग कर लो। ए बन गया आई टू, ए बन गया ओ दो जीरो नल मैट्रिक्स, दो रो एक कॉलम, ये एक रो दो कॉलम ने, ये एक रो एक कॉलम, ए नॉर्मल फॉर्म बन गई। इनू पी मान लिया, पहले इनू क्यू मान लिया। वेयर वेयर पी आप मनिया है वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन 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 नू, एंड क्यू मनिया है आपने पिछे वाले नू वन माइनस वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो। ये पी ते क्यू मैट्रिसेस आ। हुण देखो ध्यान क्वेश्चन की पुट किया उन्होंने, पी ते क्यू दो अजिहे मैट्रिसेस आप फाइंड करने ने कि जे तिन्ना नू आप मल्टीप्लाई करिए तो आंसर की आवे नॉर्मल फॉर्म। देखो यह तिन्ना का आंसर नॉ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू पिया है, विच जे तिन्ना नू मल्टीप्लाई करा के नॉर्मल फॉर्म च आ गया आंसर। पहली गल तो यह पूछी सी नाल, उन्हें यह कहा सीगा कि पी ते क्यू जेड़े ने यह दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस चाहिए ने। हूँ पी ते क्यू तो खड़ तो ले अपने पी मान लिया, पहले दूजे को क्यू मान लिया, हूँ यह शो करना आप कि दोनों नॉन सिंगुलर ने। वो की करांगे स्केयर मैट्रिक्स तो है बस डिटरमिनेंट फाइंड करना आप, डिटरमिनेंट कटोगे वन आऊगा नॉन जीरो, तो यदा डिटरमिनेंट कटोगे यह भी वन आऊगा यह भी नॉन जीरो। देयरफॉर पी एंड क्यू की आ गए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसिस, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसिस ने। पहला पूछा से उन्होंने कि पी ए क्यू मल्टीप्लाई करके नॉर्मल फॉर्म चाहिए, नॉर्मल फॉर्म बन गई अपने को जी, तो पी ते क्यू फाइंड करने से पी ते क्यू ही फाइंड हो गया अपने को, डिटरमिनेंट ऑफ पी भी आ डिटरमिनेंट ऑफ क्यू भी आ। जी गल इंपॉर्टेंट है ये गल सुनियो समझियो ध्यान कि आप इस केस के पी ते क्यू फाइंड करने वास्ते कहा कि पी ते क्यू फाइंड करने कि आंसर की आवे नॉर्मल फॉर्म च आवे। हुण पी ते क्यू कितना फाइंड किए ने आपने, इत्थे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीगा पहला स्टार्टिंग, इत्थे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीगा, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीगे, रो ऑपरेशन आप इत्थे लाया कॉलम ऑपरेशन आप इत्थे लाया। हुण एक गल समझो ध्यान कि जे किसी मैट्रिक्स नूं आपां ने नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट करना कि ऑपरेशन सारे बच्चों वास्ते इको प्रकार के लगनगे, मतलब इको टाइप के ऑपरेशन ला इको टाइप के ऑपरेशन लगा के कि यह नॉर्मल फॉर्म च बनेगा कि अलग अलग ऑपरेशन ला के बन सकता है, ये अलग अलग ऑपरेशन लगा के भी नॉर्मल फॉर्म च बना सकते हैं, ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह के ऑपरेशन ला रहा है। जे ये नॉर्मल फॉर्म लाने वास्ते ऑपरेशन आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, इस करके फिर यह जिहड़े पी ते क्यू दे आंसर ने यह जरूरी नहीं है कि सारे दे सेम आउणगे। पी ते क्यू दे आंसर जिवें जिहड़ा बच्चा जिस तरह ऑपरेशन ला रहा है उस तरह इहदे आंसर आउणगे पी ते क्यू दे। जे कोई बच्चा रो ऑपरेशन वध यूज कर रहा तो आ चेंज हो जाएगा रो ऑपरेशन आप उपर लाउण ने, जे कोई बच्चा कॉलम ऑपरेशन वध यूज कर रहा तो कॉलम मेरे उपर लगेगा। जिमें जो कोई बच्चा जिमें मैं करवाया उदा कर रहा है किमें नीचे जीरो करने वास्ते रो यूज कर रहा उपर जीरो करने वास्ते कॉलम यूज कर रहा है तो वह आंसर हो तरह का होगा, सारे आंसर ठीक मने जाएंगे जे तुम मैथड सारा सही है थोड़ा। इस करके इस क्वेश्चन च कंपलसन नहीं कि सारे बच्चों का आंसर सेम आए, जिमें ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं नॉर्मल फॉर्म बनाने वास्ते उमें आंसर भी इस केस अलग अलग आ सकते हैं, बस ये गल ध्यान रखनी है जो आप आंसर कढ़ीए ਉਹ ਦੋਨੇ ਨੌਨ ਸਿੰਗੁਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਬਾਏ ਰੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਰੋ ਬਾਏ ਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਰੀਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਦੋ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਏ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ स्टेटमेंट देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा रिड्यूस एक मैट्रिक्स है जी बी टू नॉर्मल फॉर्म एन एंड कंप्यूट द मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी बी क्यू इज इक्वल टू एन एन की है कि नॉर्मल फॉर्म है जी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जी दो मैट्रिसेस फाइंड करने हैं अपन इतने नॉन सिंगुलर वर्ड नहीं पाया उन्होंने स्टेटमेंट से आकर नॉन सिंगुलर वर्ड नहीं पाया उन्होंने मतलब ये आप नॉन सिंगुलर शो नहीं करना है जे नॉन सिंगुलर किमें शो करा आप डिटरमिनेंट फाइंड करके मतलब इस केस आप डिटरमिनेंट नहीं फाइंड करा पूछे नहीं आप इस वक्त लोड़ नहीं हैगी चलो ये देखो कि करना सारी स्टार्टिंग होती है जी इतने बी आप गिवन है वन थ्री सिक्स माइनस वन वन फोर फाइव वन वन फाइव फोर थ्री ए बी मैट्रिक्स आपको गिवन है नाउ ए चो मनांगे आपां बी नू किवें लिखांगे आई बी आई बी दा ऑर्डर की है गाई थ्री बाय फोर तीन रोने चार पाने जिहड़ा ए आई होगा ए थ्री बाय थ्री का होगा ए फोर बाय फोर का बिकॉज ए मल्टीप्लीकेशन तो होगी जे कॉलम से रो बराबर हो भी मल्टीप्लीकेशन तो होगी जे कॉलम से रो बराबर हो दैट इज किवें लिखांगे आपां जां दिस इंपलाइज फॉलो दिस इंपलाइज वन थ्री सिक्स माइनस वन वन फोर फाइव वन वन फाइव फोर थ्री इज इक्वल्स टू इनू थ्री ऑर्डर का लिखांगे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इतने बिच वैल्यू नहीं भरनी है आई फोर लिखांगे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन बस ये फर्क है ये बाकी सारा ओवी है जी जो नॉर्मल फॉर्म से कन्वर्ट करें कुछ रो ऑपरेशन यूज करा कुछ कॉलम ऑपरेशन यूज करा और रो ऑपरेशन एरे उपर लाने तो कॉलम आप एरे उपर लाने तो रो ऑपरेशन किवें लावे ये डायगनल एलीमेंट्स हो गए जी नीचे जीरो करने वास्ते मैं रो यूज करूँगा जी तो बाकी उपर जीरो करने वास्ते मैं कॉलम यूज करूँगा तो देखो आ जीरो करने वास्ते पहला आर टू माइनस आर वन फिर आर थ्री माइनस आर वन इतने ओपरेट किया आर टू तो आर टू माइनस आर वन आर थ्री से ओपरेट किया आर थ्री माइनस आर वन जो ये ऑपरेट किया सी अपन ये बन गया वन थ्री सिक्स माइनस वन जीरो वन माइनस वन टू ये सबट्रैक्ट किया जी जीरो टू माइनस टू फोर ये चेक कर लियो बाकी जी एक भी नंबर गलत हो गया सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना जी हुण ए ऑपरेशन आप पहले उपर लावांगे वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन जीरो वन ए वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन हुण आ जीरो करना आपां जी ए आर थ्री ते ऑपरेट किया आर थ्री माइनस टू आर टू जीरो करने वास्ते हाँ ए आ गया अपने को दिस इंपलाइज वन थ्री सिक्स माइनस वन
0, 1, minus 1, 2, यह आ गया 0, 0. 2 ना multiply किता, subtract किता, आवी 0 बन गया जी. 2 ना multiply किता, subtract किता, आवी 0 बन गया. One zero zero minus one one zero. जो इस क्वेश्चन का काम सौखा हो गया जी. कई क्वेश्चन में विच की हो सकता है कि इत्थे नॉन जीरो एलिमेंट आ सकता. एक गल समझियो ध्यान दे, इत्थे नॉन जीरो एलिमेंट आ सकता है. इसे बाय चांस अपना जीरो बन गया ना, इत्थे इत्थे नॉन जीरो आ सकता है. इहदी की प्रॉब्लम होगी देखो, तुसी आ यूज करके जो कॉलम ऑपरेशन लाओगे आ यूज करके आ भी जीरो हो जाएगा, तो हटा आ भी जीरो हो जाएगा, आ भी जीरो, आ भी जीरो, आ भी जीरो, आ नहीं जीरो होना थोड़ा. ये जीरो क्यों नहीं होना? बिकॉज यही एलीमेंट जिस मर्जी का मल्टीप्लाई कर लो ये जीरो नहीं बन, ये जीरो नहीं होना. जे गल समझ आ रही हो गए तो यही करना कि आ सारे जीरो करके आ नॉन जीरो बच जाएगा. आह दो कॉलम आपने फिर इंटरचेंज कर लेनी है. ये नॉन जीरो एलीमेंट इतने आ जूगा. जो बाकी जिम्मे क्वेश्चन ट्राई करो फिर लग जूगा पता जी. मतलब एक गल ध्यान रखनी है, नॉर्मल फॉर्म की कहा सी कि डायगनल एलीमेंट्स के विच वन होवे जा जीरो होवे, पर ये बाकी सारे एलीमेंट्स ने नॉन डायगनल एलीमेंट्स वो सारे पक्का जीरो चाहिए ने. आप जे इत्थे किते नॉन जीरो बच गया तो उन्हें ये विच ले आना इंटरचेंज करके. चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ला जूगा पता जी. इस तो बाद कॉलम ऑपरेशन यूज कर ले, रो ऑपरेशन यूज कर ले जी. हुण जीरो करन वास्ते आपां इस तो बाद कॉलम दे ऑपरेशन यूज कर रहे हैं. इनू जीरो करना जी, इनू जीरो करना, इनू जीरो करना, आ यूज करके तिने कट्ठे जीरो हो जाएंगे जी. सी टू ते ऑपरेट करांगे आपां सी टू माइनस सी थ्री वन, सी थ्री ते ऑपरेट करांगे सी थ्री माइनस सिक्स सी वन, अते सी फोर ते ऑपरेट करांगे सी फोर प्लस सी वन. तो यह आ गया, ध्यान रखना कि सारे ऑपरेशन जो है वो एलीमेंटरी लाने. ये आ गया जी 1 0 0, फिर मल्टीप्लाई किया 0 1 0, ये किया जी 0 माइनस 1 0, ये आ गया 0 2 0. हुण ये कॉलम ऑपरेशन पहले उपर नहीं लावांगे, 1 0 0 माइनस वन वन जीरो, वन माइनस टू वन, ए इत्थे लावांगे ऑपरेशन आपां 1 0 0 0. ए आ गया माइनस थ्री जीरो वन जीरो, सिक्स ना मल्टीप्लाई किया जी, सबट्रैक्ट किया माइनस सिक्स जीरो वन जीरो, ए ऐड किया 1 0 0. हुण फिर ऑपरेशन लावांगे, हुण आ एलीमेंट यूज करके आ दोनों जीरो करांगे जी. तो सी थ्री ते ऑपरेट करांगे सी थ्री प्लस सी टू, सी फोर ते ऑपरेट करांगे सी फोर माइनस टू सी टू. तो दिस इंप्लाइज ये बन गया 1 0 0 0 0 0. चलो ये 1 0 हो गया, ये भी जीरो बन जाएगा तो ये भी जीरो बन जाएगा. ये इदी आ जाएगा 1 0 0 माइनस 1 1 0 1 माइनस 2 1. ये आ गया ए पहला 1 0 0 0. अगे आ गया जी सी थ्री तो सी फोर चेंज करनी है. मैं सी वन और सी टू तो इदी रहनगी है. सी थ्री, सी थ्री सी टू ऐड किया, ये बन गया माइनस नाइन, ऐड किया 1, ये ऐड किया 1 0. सी फोर से टू ना मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना, माइनस सिक्स सैवन आ जाएगा, माइनस टू
जीरो वन ए आ गया। देखो ध्यान ना कि यह नॉर्मल फॉर्म बन गई जी। जिहड़ी गल मैं इत्थे दस रहा सीगा, जे बाय चांस तुहाडे इत्थे टू होवे नॉन जीरो, ये कदे भी यह यूज करके जीरो नहीं बनना है। तुसी करना की है फिर इनू दोनों कॉलम इंटरचेंज कर लेनी है, आ दो कॉलम जे इंटरचेंज करोगे तो टू इत्थे आ रहे, आ गया टू देखो जी। फिर इंटरचेंज करके इनू तुसी वन बना लेना, चाहे आर थ्री टू से डिवाइड कर दो चाहे सी थ्री डिवाइड कर लो, ये वन बन जाएगा, फिर यह नॉर्मल फॉर्म बन जूगी जी। फिर नॉर्मल फॉर्म जी हैगी इदा बनेगी। बस ध्यान रखना कि जो ऑपरेशन आप इतने ला रहे हैं इतने लाई जाने ना। चलो इस केस चलो अपने को जीरो बनया है, नॉर्मल फॉर्म बन गया जी, ए पी हो जूगा ए क्यू हो जाएगा। बस यही अपन पूछा सी। ए आ गया जी आई टू, ए नाल मैट्रिक्स टू बाय टू ऑर्डर का हो गया, नीचे नाल मैट्रिक्स टू बाय वन ऑर्डर का हो गया, वन बाय टू सॉरी, ए बी वन बाय टू का हो गया। इनू पी मान लिया अपने, इनू क्यों मान लिया, वेयर पी जो है वह है वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो वन माइनस टू वन, अते क्यू मान लिया अपने ये वन माइनस थ्री माइनस नाइन सैवन जीरो वन वन माइनस टू जीरो जीरो वन जीरो 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 वन, ये आंसर आ गया जी। उन्होंने क्या होंगे कि पी थे कि वो नॉन सिंगल शो करो, डिटरमिनेंट फाइंड कर लवोंगे, यदा वन आऊगा जी, यदा वन आऊगा। इतों ध्यान चो भी डिटरमिनेंट कितना फाइंड करना है, जो पता हो अपने कोल लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स वो होंगे डायगनल तो उपर जीरो हो, यहगा अपने को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट किमें कटना होता लोअर तो अपर का, सिंपल सिर्फ डायगनल एलीमेंट मल्टीप्लाई कर दो, जो पूछा होगा कटा के लिए लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि जो पूछा नहीं है अपन कि नॉन सिंगुलर शो करना, रैंक भी नहीं पूछा है, रैंक भी कट सकता, रैंक किन्ना रहा इस केस च टू आएगा जे कटना हो, पर पूछा नहीं है अपन। चलो ठीक है जी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ने जी, इस एक्सरसाइज सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही ने जी, पी ए क्यू फॉर्म वाले। जो क्वेश्चन ट्राई कर लियो जी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।